हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और ये हमारी लखनऊ सिटी की एक और वीडियो है, ये व्लॉग है एक्चुअली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं द कश्मीर फाइल्स देखने, जो कि आप सबने सुना होगा, बहुत अच्छी पिक्चर है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए जाके, और देखने के बाद भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग बुक कर रहे थे बट पेटीएम से दो बार एक्चुअली कैंसिल हो गया, और गार्डन गैलेरिया मॉल पे बुक कर रहे थे तो दो बार कैंसिल हो गया। बट फिर हमने सोचा कि जाके वहीं पे देखते हैं, अगर टिकट्स मिल जाती हैं तो लेंगे और चलते हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोग पराग पे हैं, और यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे अपने डेस्टिनेशन जो हमारा डाल दिया है गार्डन गैलेरिया मॉल का। तो 15 मिनट दिखा रहा है, और चलिए अभी हम लोग, आप देख सकते हैं पराग तिराहा है ये PNB ATM वाला। तो चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से राइट लेंगे, आप देख सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जाते थे बिजनौर रोड की तरफ, बट अभी क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफ़ी टाइम से और ओवरब्रिज बन रहा है, तो यहाँ से हम राइट लेंगे रिक्शा कॉलोनी होके, यहाँ से नीचे से निकल जाएंगे सेक्टर वो मानसरोवर की तरफ, और फिर उधर से हम शहीद पथ को एक्सेस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, एक्चुअली शहीद पथ पे हमें चढ़ना नहीं है क्योंकि रायबरेली रोड ही पे हमें जाना है, तो इसलिए शहीद पथ नहीं चढ़ेंगे, यहीं से हम निकल जाएंगे आगे से लेफ्ट लेके, सर्विस लेन से ही जाना होगा। तो इस वजह से इस तरफ से जाना पड़ रहा है, अगर आप इस साइड से जाएंगे शहीद पथ की तरफ तो इधर ही से जाना पड़ेगा। तो इस एरिया में फ्रेंड्स, यहीं पे आप देख सकते हैं जाम लगता है काफ़ी, ट्रैफिक जाम यहाँ पे काफ़ी लग जाता है क्योंकि एक सिंगल रोड है निकलने के लिए, एंड यहाँ पे लोग आप जानते हैं कि ट्रैफिक में कैसे चलते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं और किसी भी तरफ की लेन में वो जा सकते हैं, कि मतलब बहुत ही बिल्कुल ही आप जैसे कह सकते हैं ट्रैफिक सेंस ना होना, वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। और मोस्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग ऐसे करते हैं, बट आपको सिर्फ 60% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो गलत तरह से चलने को अपनी शान समझते हैं। तो ये हमारा सेक्टर ओ मानसरोवर योजना है LDA की। यहाँ से राइट में कानपुर ट्रांसपोर्ट नगर जा सकते हैं, हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेके फिर से हम राइट ले लेंगे यहाँ से आगे से, तो वो शहीद पथ हमें कनेक्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं शहीद पथ पे पहुँच गए, सेक्टर ओ मानसरोवर की तरफ हम लोग हैं। ये हमारा मानसरोवर सेक्टर ओ है, तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लेफ्ट ले लेंगे, ये मेन रोड से सर्विस लेन पे चलना है, यहीं से सर्विस लेन से ही सीधे हम निकल जाएंगे अपना जो हमारा ये आपका क्या कहते हैं रायबरेली रोड है उधर। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से एंट्री ले सकते हैं शहीद पथ पे, बट अभी क्योंकि ब्लॉक्ड है और क्योंकि CM ओथ वाला जो प्रोग्राम है वो होना है, इस वजह से ब्लॉक्ड है। आप देख सकते हैं राइट साइड में बैरिकेटिंग लगी है और काम चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। सीधे आप देख सकते हैं सर्विस लेन पे हम लोग चलेंगे, वैसे भी हमें तो सर्विस लेन से ही जाना था, तो हम लोग सर्विस लेन पे यहाँ से चलेंगे और आगे जो रायबरेली रोड का जो एग्जिट है वहाँ पे हम लेफ्ट ले लेंगे वहाँ से, क्योंकि लेफ्ट साइड में है मॉल जहाँ पे हमें जाना है। और मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ये पूरा कैंपस है। तो इसी के लेफ्ट में हमें चलना है पैरेलली, और आगे रायबरेली रोड पे पहुंच के वहाँ से लेफ्ट लेंगे। तो ये हमारा मेन गेट है इसका, तो यहीं से हमको अभी आगे से लेफ्ट लेना है, और आप देख सकते हैं लेफ्ट खुला हुआ है बट यहाँ पे लोग जाम लगा के खड़े हुए हैं और हॉर्न देने पे भी हट नहीं रहे, यही बदतमीजी आपको हर जगह मिलेगी हर लाइट पे, बहुत बुरा लगता है, बहुत ही इरिटेटिंग है। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं होती हैं, और पुलिस वहाँ पे खड़े होकर देख भी रही होगी तब भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट में रास्ता खुला है, हमें लेफ्ट लेना है, बट हम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि लोगों को सेंस नहीं है ट्रैफिक का। तो भी आपके जानने में ऐसा कर रहा हो तो प्लीज़ उनको बताइए कि और लोगों को परेशानी होती है। रायबरेली रोड है, राइट साइड में रायबरेली के लिए आप जा सकते हैं इधर, और हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे अपना मॉल के लिए। ये लखनऊ की साइड है, मतलब चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से आपको प्रॉब्लम होती है जब आप ट्रैफिक में यहाँ पे क्रॉस करते हैं, अननेसेसरली डिले हो रहा है जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेबल है और बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ से आप ये छोटी वाली जो रेलवे लाइन, छोटी क्या एक्चुअली ये मालगाड़ी वाली जो रेलवे लाइन है कैरियर वाली जो हम अभी क्रॉस करके आए थे, फिर से हम उसी को क्रॉस करके वापस जा रहे हैं क्योंकि बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसलिए, और मॉल आई थिंक क्रॉस करके नहीं जाना है, बस इसी तरफ में पड़ जाएगा हमको मॉल। तो आप देख सकते हैं ये
भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है एंड उसके बगल में ही है आपका गार्डन गैलेरिया मॉल है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो आई थिंक इसका एंट्रेंस आपका हाँ यहीं से है। तो ये हमारा एंट्रेंस है यहाँ से। लेंगे एकदम सुनसान लग रहा है। तो ये मॉल की हमारी पार्किंग है, गार्डन गैलेरिया मॉल। अगर आप इनके साथ आ रहे हो, अगर डाउट हो तो पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी इंटरमिशन हुआ है, काफ़ी पिक्चर काफ़ी अच्छी है और अभी हम लोगों ने ये लिया है। तो फिल्म काफ़ी अच्छी है, अभी इंटरमिशन हुआ है तो हम लोग बाहर आए थे और फिर चल के हमारा बॉडी फोर है। आओ आप लोग जरूर फिल्म देखिएगा, बहुत जरूरी है देखना। तो काफ़ी बढ़िया मूवी है और बाकी की भी बस देखते हैं फिर आपको बताएंगे जैसा भी होगा। तो चले चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आइनॉक्स और जहाँ पे हमने मूवी देखी थी और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं पूरा बंद है, कुछ है नहीं और ये फूड कोर्ट भी पूरा खाली है। तो हम आपको नीचे लेके चलते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सारे शॉप्स क्लोज्ड हैं। ये आइनॉक्स है, थर्ड फ्लोर पे है ये। मूवी काफ़ी अच्छी थी फ्रेंड्स, हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं। मूवी काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया मूवी है, ज़रूर देखिए कि कैसे कश्मीर में हुआ, तो देखना बहुत ज़रूरी है और बढ़िया मूवी है काफ़ी। एंड अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे गाड़ी की पार्किंग में। तो लेकिन मूवी आप लोग ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छी मूवी है और एकदम सच दिखाया हुआ है। यहाँ ये एंट्रेंस है मॉल का और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आप फास्ट टिकट्स ले सकते हैं। आई डोंट नो अभी चल रहा है कि नहीं, बट ये हमारा एंट्रेंस है और एस्केलेटर्स हैं, आप देख सकते हैं पूरा मॉल ये वाइड एंगल में। बट कुछ भी खुला नहीं है, सिर्फ आइनॉक्स है यहाँ पे अभी, बाकी सारी चीज़ें बंद है। अब चलते हैं हम लोग अपना पार्किंग की तरफ और वो भी काफ़ी सुनसान है पार्किंग का एरिया। तो मतलब देख सकते हैं इस तरीके का रास्ता है। एक्चुअली लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है तो इसलिए अभी हम लोग लिफ्ट से नहीं स्टेयर्स का यूज़ कर रहे हैं और आप स्टेयर्स की हालत देख सकते हैं कैसे।